नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम जहां खड़े हैं यह वसई ईस्ट का मधुबन टाउनशिप का एरिया है। इस तरफ आप जाएंगे रोड के तो मधुबन टाउनशिप कहा जाता है, और इस तरफ रोड के इस तरफ जाएंगे तो स्मार्ट सिटी जो बनाई गई वो स्मार्ट सिटी है। यहां स्थानिकों का ऐसा आरोप है कि महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, उस वजह से गड्ढे रोड पे काफ़ी हो चुके हैं। बरसात में गड्ढे होना आम बात है, गड्ढे होते हैं, बरसात में गड्ढों को भरा भी जाता है, लेकिन यहाँ गड्ढों का कुछ परिस्थिति अलग है। दरअसल यहाँ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये हालात है, गड्ढे है, पानी यहाँ पूरे ही, यहाँ से शुरू करके मेन रोड तक जाएंगे वहाँ तक यही हालात है। उसके पीछे कारण यह है कि जो गुजरात की कंपनी है, जो गैस का प्रोजेक्ट है उसका, वो कंपनी अपना काम कर रही है, उसने यहाँ खड्डा खोदा था अप्रैल मई में, और नियमानुसार उस खड्डे को भरा जाना चाहिए था, रोड को समतल करा जाना चाहिए था, लेकिन गुजरात कंपनी का ऐसा कहना है कि ये काम महानगर पालिका करने वाली है, क्योंकि उन्होंने इसके बदले जो भी अमानत राशि वो महानगर पालिका में पहले ही जमा कर दी। और महानगर पालिका का लक्ष्य कितना है आप देख सकते हैं। इस मुद्दे को हाल ही में पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता किशनदेव गुप्ता ने उठाया है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट वायरल किए, जिसके बाद हम यहाँ आए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। हम अभी बात करते हैं किशन गुप्ता से, जो आप सुनिए आगे किशन गुप्ता ने इस बारे में क्या कुछ कहा, और महानगर पालिका अधिकारी बांधकाम विभाग से विनती करते हैं कि इस तरह से हादसे होने का इंतजार न करें और इसको दुरुस्त कराएं। वसई से यूसुफ अली। किशन भाई, आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले हैं, क्या है कुछ बताइए। आप ये देख रहे हो, ये मधुबन टाउनशिप है, और यहाँ पे ये कंडीशन है रोड का। ये गैस के कनेक्शन के लिए इन्होंने खोदे थे, और इन्होंने तो ठेकेदार ने काम किया, ना तो महानगर पालिका ने काम किया। ये देखो, ये हाल है कीचड़ का, ये कीचड़ आप देख रहे हो, ये कंडीशन है। दिक्कत परेशानी देख रहे हो, गड़बड़े खड्डे है और रोड पे पूरी मिट्टी हुई है, जिसके आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कि क्या किसी महानगर पालिका के किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार कर रही है क्या? देखा है अपने, हमने देखा है, अभी भी देखो गैस कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ सब पड़ा हुआ है, यही के ये उनके ही काम है। हमारी मांग ये है कि ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए और ये रोड को क्लीन करना चाहिए। ये अप्रैल महीने से काम चालू है, यहाँ तो काम भी हो गया है, जिसके बावजूद इन्होंने ये काम नहीं किया, जो रोड का काम है अभी भी ऐसे पड़ा हुआ है। महानगर पालिका के आला अधिकारी के मुझे मैसेज आया था कि बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे, काम करेंगे, ऐसा करके मुझे मैसेज आया था। तिवारी जी, आपके क्षेत्र के हालात पे क्या कहना चाहेंगे? भाई, क्षेत्र का हालात ऐसा लग रहा है जैसे कि बाढ़ जो है कोल्हापुर सोलापुर और सांगली सतारा में ना होकर के हमारे मधुबन में आई हुई थी, जिसने पूरा तहस नहस करके रख दिया है। आज 3 महीना हो गया, 3 महीने से हमारे यहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं इस खड्डा खोद से। और दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लोगों को उत्पन्न हो गई है लाइट की। लाइट तो ऐसा लग रहा है जैसे विगत पिछले 10 साल पीछे हम लोग चले गए हैं, 10 साल पीछे चले गए हैं। कभी 12 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 11 घंटा, यहाँ तक कि पेड़ हम लोगों को चढ़ के काटना पड़ रहा है। हम अपने आदमी प्राइवेट लगा रहे हैं, सोसाइटी वाले पेड़ कटवा रहे हैं, क्योंकि स्पार्क हो रहा है, आग लग रही है। इनको फोन करने पे ना इनका कोई लाइनमैन उठाता है फोन, ना इनका जेई फोन उठाता है। कल हम कम से कम 10 बार फोन किए होंगे जेई को और इनके लाइनमैन को, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। नगर पालिका को हम 10 बार जा करके बोल करके आ गए, उनको कंप्लेन कर दिया, उनको दिखाया, अभी वीडियो भी लेके जाके बना करके दिखाया, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। मेन गेट पे इतना बड़ा खड्डा है कि जिसमें कि कभी भी कोई भी गाड़ी घुस जाए, अंधेरे में रात के दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, क्योंकि हाईवे है, वो हाईवे पे चलता है। इस बार इस तरह का इतना बड़ा खड्डा हो चुका है, लेकिन इन लोग को ध्यान नहीं है। पानी भर गया, पानी तो भर रहा हो तो अमूमन हो गया है, 2-2 दिन बंद हो जा रही है यहाँ पे। तो अब असुविधाओं का गढ़ हो चुका है वसई विरार शहर महानगर पालिका। अभी हाल ही में महानगर पालिका ने उपभोक्ता कर भी बढ़ाया। हाँ, इस पे आपका क्या स्टैंड है? अरे, पहले तो हम लोग जब आए थे, जहाँ पर हमने फ्लैट खरीदा था, उस समय पे
600 रुपया था। झाड़ू वाला एक दिन छोड़ के एक दिन आता था, पानी आज भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। हाँ, हम लोगों को 600 रुपया यहाँ पे कर था, आज के दिन में वही 600 रुपया कर 4000 रुपये में परिवर्तित हो गया है विगत 7 सालों के अंतर्गत। और सुविधा वही का वही जो हमको ग्राम पंचायत में मिलती थी आज भी वही सुविधा है हमारे लिए, कोई सुविधा की बढ़ोतरी नहीं हुई। उल्टा हमारे ऊपर में ये जो कर लाद दिया गया है जिसको लेकर के हमारे सारे के सारे नागरिक परेशान हैं। यहाँ पर लोग शिकायतें कर रहे हैं लेकिन कर क्या सकते हैं, खाली शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर कहो किसी को कि चलना है तो नहीं, हमने तो नेता क्यों बनाया है, हमने क्यों इनको जिताया है, वो यही बैठ के कहेंगे लोग। लेकिन आगे आकर के उनके साथ में संघर्ष करने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का ऐसा हिम्मत अभी पब्लिक में अभी भी ऐसा लगता है जैसे दहशत का माहौल है। इसकी वजह से आज यहाँ की पब्लिक ये भुगतान कर रहे हैं। खड्डे देख लीजिए आप, पानी भरा हुआ खड्डे देख ले, चलने की नौबत नहीं। जरा सा अभी बारिश बंद हो जाती तो धूल इतना भर जाती घर में कि यहाँ पर लोग जितने बारे यहाँ पर अस्थमा के पेशेंट है बेचारे परेशान हो जाते हैं, इतना धूल भर जाती है। दिन भर यहाँ से 5 मिनट के अंदर हम बैठ करके इस जगह पर 5 मिनट के अंदर 150 गाड़ियों का आवागमन हुआ इसी जगह पे इस रोड पर। यह क्या इतना महत्वपूर्ण रोड हो गया मधुबन का जिसमें 5 मिनट के अंदर 150 गाड़ियों का आवागमन हो रहा है और उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर पालिका का। अगर यह मेन रोड हो गया तो इसको विस्तृत करो, बढ़ाओ और दूसरा विकल्प वाला रोड बनाओ। इस तरह का जब 5 मिनट में 150 गाड़ियाँ आएगी जाएगी तो रोड की हालत क्या होगी, यहाँ के रहवासी बेचारे परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे। ये रोड का खड्डा एक गैस पाइपलाइन डालने के लिए दिया था तो हमने उसको पूछा तो वो गैस वाला जो है अनेरी ग्रुप का है कोई, उसने बताया कि ये नगर पालिका तो पहले उन्हीं से बनवाती थी, जो खोदते थे वही बनाते थे, लेकिन अभी वो बोल रहा था कि शायद नगर पालिका से ऐसा करार हुआ है कि वो नगर पालिका ही बनाएगी उसको, वो उसका चार्ज जो है वो नगर पालिका को भर देंगे। अब ना नगर पालिका ध्यान दे रही ना उसको, हमने उसको उस दिन काम भी रुकवाने के लिए बोला, भाई तेरा काम रुकवा देंगे अगर इस तरह का तकलीफ होगी तो, बोलता साहब हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो, आप नगर पालिका को बोलो। तो हम लोग किसको बोलने गया, नगर पालिका को बोले तो हाँ यही हाँ हो रहा है, हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा, जब मर जाएंगे लोग तब। ये कीचड़, ये पानी, ये खड्डे, इस पर से कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं, कुछ पूछो मत, लोगों को दौड़ा लेते, इनको बोल दो कि ले जाएंगे नसबंदी करके ला के छोड़ दे रहे हैं, वो खा पी करके लोग मस्त है। हाँ, और लोगों को दौड़ा लेते, खड्डे में लोग गिर जा रहे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जा रहा है, हमारी बिल्डिंग के एक लड़के का पैर टूट गया, अब लो फ्रैक्चर हो गया, बैठे हो घर में। एक तो कोरोना काल में वैसे ही धंधा पानी नहीं और पैर टूट गया, उसका खर्चा अलग, ऑपरेशन का खर्चा अलग, ये सारी बातें हो रही है। तो ये खड्डे जो है जानलेवा खड्डे है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।